एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीता के दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ रक्षाबंधन स्पेशल काला जामुन। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। सभी को रक्षाबंधन राखी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। आज हम बनाएंगे काला जामुन को बहुत ही टेस्टी रेसिपी में लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए। चलिए आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाया। पहले तो हमने ले लिया है मिल्क पाउडर 50 ग्राम, उसके बाद हमने ले लिया है 150 ग्राम शुगर को, उसके बाद हमने ले लिया है मिल्क को, उसके बाद हमने ले लिया है घी को, उसके बाद बेकिंग सोडा, उसके बाद ले लिया है मैदा को और केवड़ा वाटर लिया है हमने। आप चाहें तो इलायची को भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ में। और हमने एक पैन ले लिया है, गैस बिल्कुल नहीं जलाया हमने, और डाल दिया है 70 ml दूध को। बिल्कुल भी गैस ऑन नहीं करना है, अभी बहुत ही अच्छी तरह मिला देंगे, उसके बाद गैस ऑन करेंगे। आपको मैं बताऊंगी आगे। 1 tablespoon घी को डाल दिया है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पाउडर, मिल्क पाउडर को, और इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इस टाइप का सिलिकॉन का स्पैटुला है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर बहुत अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं इस तरह बहुत ही अच्छी तरह दूध के साथ मिला देना है, ये सबसे ज़रूरी बात है। बहुत ही अच्छी तरह, एक भी गुठली नहीं चाहिए हमको। बहुत ही अच्छी तरह मैं जिस तरह कर रही हूँ इस तरह करके एक भी गुठली नहीं रखना है। बहुत ही अच्छा स्मूथली प्रॉपरली टेक्सचर देना है हमको, तभी बहुत अच्छा बनेगा हमारा जो काला जामुन है। आप देख सकते हैं ने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर दिया है अभी। उसके बाद अभी हम इसमें 1 tablespoon शुगर को डाल रहे हैं। अभी डालना क्यों ज़रूरी है? अगर आपको एकदम जालेदार काला जामुन चाहिए तो आप अभी डालिए, वो बहुत ही अच्छी तरह काला जामुन बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद हम गैस के फ्लेम ऑन कर दिए हैं, स्लो फ्लेम पे ही करना है हमको। अब देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है गैस का फ्लेम और स्लो फ्लेम पे चलाते जा रही हूँ। उसके बाद धीरे 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 पकने लगेगा ये। हम तो उड़ीसा में ज़रूर बनाते काला जामुन राखी स्पेशल, ये तो सबसे बहुत ही अच्छा मिठाई है। हम तो राखी पे काला जामुन ही बहुत खाते हैं और भैया के घर भी लेके जाते हैं इसको ही। आप देख सकते हैं इस तरह मैं मिला रही हूँ और बिल्कुल भी हाथ नहीं छोड़ाना है। अगर आप हाथ छोड़ दिए तो अपने कढ़ाई से आपका जो बैटर है बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, वो गुठली आ जाएगा, उसमें बहुत अच्छा नहीं बनेगा। देख सकते हैं आप बहुत अच्छा टेक्सचर आया है, एक भी गुठली नहीं है इसमें। उसके बाद धीरे 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 थिक हो जाएगा ये और बहुत ही अच्छा बन जाएगा। जैसे खोया बनाते हैं ना घर पे, उस तरह वही प्रोसेस है। सिर्फ देख सकते हैं आप बहुत अच्छी तरह हमारा जो पैन है उससे छूट जाना चाहिए, तभी बहुत अच्छा बनेगा हमारा काला जामुन। छूट जा रहा है, आप देख सकते हैं ऐसे छूट गया, तो आप समझ जाइए बहुत ही अच्छा बना है हमारा खोया। इसको ना आप बहुत सारी चीज़ों से बना, जैसे कि गुजिया रहता है गुजिया पे भी इसको डाल के बना सकते हैं। जिस तरह भी बनाना चाहते हैं आप, खोया को यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हैं। रेडी हो गया हमारा खोया और अभी परफेक्टली कुक हो गया हमारा, एक भी इधर उधर नहीं लगा है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह रेडी हो गया है आपका। अगर छूट रहा है तो पैन से, तो आपका पूरा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह चाहिए हमको।
उसके बाद हम इसको एक बाउल पे निकाल देंगे और नहीं पकाएंगे इसको। इसको एक बाउल पे बहुत ही अच्छी तरह निकाल देंगे और बताऊंगी आपको मैंने इसका टेक्सचर कैसे बनाऊंगी। अभी मैं आपको बताऊंगी जैसे काला जामुन बनाने के लिए बॉल्स बनाना है, मैं बताऊंगी कैसे बनाया मैंने। पहले तो ये देख लीजिए, ऐसे हाथों में आप एक बॉल जैसा बनाइए। अगर आपको आपका हाथों से ऐसे बहुत ही अच्छी तरह छूट रहा है तो, हाथों से नहीं चिपक रहा है तो ये पूरा रेडी है, बिल्कुल रेडी है खोया हमारा। इस तरह ही मार्केट पे मिलता है खोया। हम एक प्लेट पे थोड़ा सा घी लगा रहे हैं, हम अभी डालेंगे इसमें खोया को और बहुत ही अच्छी तरह हाथों से गर्म होता है, थोड़ा देख के करिए। और गरम गरम ही लेना है क्योंकि अगर ठंडा ले जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, अंदर से सख्त बन जाएगा, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा चिपचिपा है आप देख सकते हैं, हम बीच में से ऐसे करेंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे, एक पिंच ऑफ डाल देंगे हम पाउडर डाल देंगे हम। उसके बाद केवड़ा वाटर डाल के उसको एक्टिव करेंगे। आप देख सकते किस तरह बबल्स आ रहा है, तो हमारा एक्टिव हो गया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैदा को, मैंने फुल 2 टेबल स्पून यूज़ किया इसमें। और अभी बहुत ही अच्छी तरह मिलाएंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसका डो बनाते हैं जैसा बनता है वैसा ही बनाना है। ये थोड़ा सॉफ्ट बनेगा, वो थोड़ा टाइट बनता है, बस उतना ही डिफरेंट है, नहीं तो इस तरह ही बनेगा। आप देख सकते हैं मैं हाथों से कैसे बना रही हूँ इसको, इसको ध्यान में दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह बन जाएगा। थोड़ा सा घी लगा देंगे हाथों पे, तभी बहुत ही अच्छी तरह छूट जाएगा चारों तरफ। देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह आया है और अच्छा वाला डो रेडी हो गया। इसको हम क्या करेंगे, मैंने थोड़ा लंबा बताया लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह, एक भी जगह चिपक नहीं रहा है, बहुत ही अच्छी तरह डो रेडी हो गया हमारा। अब इसको हम कट कर देंगे, अब जैसा चाहिए, थोड़ा बड़ा करना चाहिए तो बड़ा कर दीजिए, या फिर छोटा करना चाहिए तो साइज में छोटा ले लीजिए, बस उतना ही करना है, कट लगा देना है। और हाथों में थोड़ा घी डाल के बहुत ही अच्छी तरह काला जामुन का बॉल्स रेडी कर देना है। मैं जिस तरह कर रही हूँ इस तरह कर दीजिए आप, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। देख सकते कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एकदम शाइनिंग शाइनिंग दिख रहा है घी के वजह से, घी की चमक ही कुछ अलग है ना। और रेडी हो गया है हमारा इस तरह काला जामुन की बॉल्स, वो भी घर पे बिना पाउडर के। बाहर जो पाउडर मिलता है उस पे उसको हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, घर पे ही बनाया है। बहुत ही अच्छी तरह बहुत टेस्टी वाला काला जामुन रेडी हो गया हमारा। अभी इसको हम फ्राई कर देंगे, आप चाहें तो इस मेथड पे भी कर सकते हैं। हमने ले लिया है कढ़ाई, उसको बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, अब मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, हमको ऑयल रखेंगे और इसको फ्राई कर देंगे बहुत ही अच्छी तरह। आप देख सकते हैं हमको बिल्कुल भी ब्राउन कलर नहीं चाहिए, हमको काला जामुन चाहिए क्योंकि हम काला बनाएंगे इसको, तब भी काला जामुन बहुत ही अच्छा बन जाएगा। आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे उल्टा कर रही हूँ और इसको भी ब्लैक बनाऊंगी। अगर आपका काला जामुन जो है थोड़ा भी ब्राउन बन रहा है, आप स्लो फ्लेम पे थोड़ा टाइम ज़्यादा ही टाइम फ्राई करिए, जैसे कि मैंने 5 मिनट फ्राई किया है, आपने स्लो फ्लेम पे 10 मिनट फ्राई कर दीजिए, तभी तो आपका रेडी हो जाएगा काला जामुन। देख सकते हैं आप कितना सही कलर आया है ना, बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको धीरे से निकाल देंगे, रेडी हो गया हमारा काला जामुन का बॉल्स।
आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदार आप जिसको भी जानते हैं, ये रेसिपी उनके साथ शेयर करिए और रक्षाबंधन पे आप मज़ा लीजिए गुलाब जामुन बना के, काला जामुन बना के। मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। उसके बाद देख सकते हैं कितना अच्छा आया है ना, बहुत ही अच्छा आया है। उसके बाद और एक पैन ले लिया मैंने, उस पर हमने डाल दिया है 1 कप ऑफ वाटर। इसको बहुत ही अच्छी तरह रोलिंग बॉयल होने देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे शुगर को। शुगर में कुछ भी तार वार नहीं चाहिए हमको, सिंपली एक थोड़ा सा लाइट थिक चाहिए हमको शुगर। शुगर का जो सिरप है थोड़ा सा थिक चाहिए, बस उतना ही, क्योंकि हमारा जो गुलाब जामुन है, काला जामुन है, वो थोड़ा पानी रहेगा तो वो अच्छा लगता है। अब मैंने बातों बातों में सैफ्रन भी डाल दिया, आप देख सकते हैं उसे बहुत ही अच्छा कलर आता है, स्वीट का जो कलर है वो आ जाता है सैफ्रन से। और बातों बातों में हमने डाल दिया है काला जामुन को, काला जामुन की बॉल्स को, और बहुत ही अच्छी तरह मिला दे रहे। इसको हम पकाएंगे अभी थोड़ी देर, पकाएंगे इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे। उसके बाद ही बहुत सही से बन जाएगा हमारा काला जामुन। आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमारा, हम धीरे से गैस को ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद हम एक बाउल पे निकाल देंगे। आप चाहेंगे तो 1 आवर के लिए कूल कर सकते हैं या फिर रात भर रख दीजिए इसको। ये बहुत ही अच्छी तरह अच्छा बन जाएगा, बहुत टेस्टी बन जाएगा और एकदम जूस भरा बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैंने तो 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, रेडी हो गया है। मैं टेक्सचर बताऊंगी आपको किस तरह बना है, बहुत ही अच्छा, अच्छी तरह बना है और जालीदार शानदार बना है। इस तरह ही मेरे चैनल को देखते रहिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए, तभी आपको मेरी हर एक वीडियो की पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो पे। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी राखी पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।